जय साईं जी दी, जय बाबा मुराद शाह वली जी, रब एक, जय साईं जी 786। एस ए ऑफिशियल चैनल दे नाल जुड़ी हुई हर एक नेक रूह नूं सलाम है, निघा स्वागत है। चैनल ते पहली बारी आए हैं बाबे, उहदा चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, ता बैल आइकन नूं जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियो दी अपडेट है ना जो वो तुहानूं सब तो पहला मिले। जय बापू जी, ब्रह्म योगी जी महाराज जी, अज गल करन जा रहे हैं जी साईं लाडी शाही दे मुरशद, उन्हां दे गुरु बापू जी ब्रह्म योगी जी महाराज जी दे दरबार दी, बापू जी दे दरबार दी, उन्हां दे गद्दी नशीं बाबा देव जी। तां कई वारी जिस चीज़ तो रोकिया होवे बंदे नूं या सेवा तो रुक जाना चाहिए, फकीरां ने जदों रोकिया होवे, क्योंकि उहदे विच उहनां दी कोई मौज हुंदी बाबा जी। तां इह जिहड़ी गल सुणाई हुई, बल्ली जी हैगे ने उत्थे सेवादार, उहनां दी गल सुणाई, बड़ी पुरानी गल है, जदों उहनां ने गल सुणाई मतलब उदों वी काफ़ी टाइम हो गया। तो बल्ली जी उत्थे सेवा करदे हुंदे सी बाबा जी दे, बापू जी दे ना कोई कहिंदे मुंडा सेवा करन आया, तां सेवा करदा हुंदा सी उहने, जिहड़ा बापू जी दी कुटिया है ना जिहड़ी बिल्कुल सामने, जदों आपां एंटर करदे हां दरबार च जिथे गुरु गोरखनाथ जी का स्वरूप, नौनाथा का स्वरूप, जिथे बाबा जी गद्दी, जिथे बाबा देव जी बैठते हैं, बापू जी होरी उस आसन से बैठते, तो कुटिया के अंदर चले जाते जो बापू जी हाजिर सके, भोरे चो निकलते जिथे उन्हों का रोज़ा मुबारक, उत्थे भोरा हों, भोरे चो निकलते कहते इधर कुटिया चले जाते बहर घट ही इदा, तो बाबा जी जिथे बाबा देव जी बैठते उत्थे जिदा आसन, तो वो जी ही बिल्कुल कुटिया अंदर जाने जिथे आप पुछ के जाना हों कि बाबा जी मत्था टेक लीए, तो कहते टेक लो, तो मत्था टेक लेंगे। होया हुण की बाबा जी, वह मुंडा कहें बार बार ना बिना पूछे बिना दसे वो अंदर बहुत जाता है, भी अंदर बहुत ज़्यादा जाता है, उन्होंने रोकया भी कई बार भी, यार तू इदा ना जाया कर, भी तू पुछ लिया कर बाबे नूं। तो एक बार कहते बाबा ने भी उन्होंने कहा भी मुंडे अंदर ना सानू पुछ के जाना या सानू दस के जाना, भी इदा नहीं जाना, भी इतने कोई पता नहीं की रंग हो जाए। चलो जी, उन्होंने आख दिता, पर वो गोलदा नहीं, हुण बाबिया नाल जांदे लोग कहें भी चलो साडा प्यार हो गया वा बाबिया नाल या बापू जी होरां दर जाने, चलो क्योंकि दूर बैठा बंदा याद करता वा, दूर बैठा कई बार नेड़े हुंदा उन्हां दे, ते नेड़े बैठा कई बार बहुत दूर हुंदा, जिदा दूर वाला डरदा भी है थोड़ा प्यार भी करता वा, नेड़े वाला कहिंदा चल साडा ही आ कोई नहीं जे हो भी जाऊ गलती तो इदा, तो उन्हें ज़्यादा गोलिया नहीं कहिंदे। वो होया इस तरह कि एक बार बाबे फिर मोच सीगे, बाबा जी आए तो उन्होंने देखा भी ये बहुत ज्यादा, तो उन्होंने कहा उदो मतलब कि उस वेले कुटिया जिदा सीमेंटेड सी उस वेले इदा टाइलां नहीं लगी हुई, तो कहिंदे उन्होंने बाबे अंदर गए पहला, बाबा देव जी उस कुटिया च गए, तो कहिंदे बाहर आए तो उन्होंने मुंडे नूं आवाज़ मारी भी जाओ, कहिंदे मुंडे उत्थे ना थले इदा कारपेट पिया, उन्होंने इकट्ठा करके लै आना, भी उन्होंने इकट्ठा करके लै के आना, पिछे सीधा नहीं चक लेना, इकट्ठा करके लै के आना जिदा उन्होंने। तो बाबा जी बाहर खड़े सीगे, काफ़ी टाइम तक बाहर रहे, तो उन्होंने उन्होंने आवाज़ मारी जो गए, हुण वो कहिंदे जो अंदर गया उन्हें इदा ही कारपेट अजे चक्या ही सीगा, भी जिहड़ी वो जगह सीगा उत्थे भी बाहर मुंडे रखना समान अंदर दा, अजे वो चक्या ही सीगा कारपेट, कहिंदे भी एक तो उत्थे कहिंदे देवता जी तुरे हो नाग देवता जी, एक कहिंदे उहदे विच कहिंदे जदों बाहर भज ही गया कहिंदे उत्थे ही छड गया वो सारा कुछ कारपेट भी, दुबारा कहिंदे दरबार भी नहीं आया, भज ही गया वो। सो जिहड़ी चीज़ तो बाबे रोकण दरबारां दे विच, देखो उहनां नूं सारा कुछ पता हुंदा, दरबार दे विच जिहड़े फकर बैठे हुंदे उहनां नूं पता हुंदा भी किद्दां वा अंदर की चल रहा बाहर की चल रहा, उहनां नूं सारी नॉलेज हुंदी। जो उन्होंने रोकया सी किसे कारण ना रोकया सी, नाले बापू जी होरां दे तां नाग उन्हां दे नाल नाल रहे, जिथे जिथे बापू जी महाराज वो जदों हाजिर सी उदों भी कहिंदे नाग नाल नाल ही रहे, तो बर्मी जिहड़ी वह भी नागा का घर आ उत्थे, तो वह कहिंदे भी इदां पुछ के जाना, पर नहीं मन्निया, तो फिर वह कहिंदे फिर लिया फिर दिखा लीए, फिर हुण उन्होंने मुड़ के जदों देखिया, तो गल उही सी भी पुछ के जिहड़ी चीज़ तो रोक देण तो रुक जाना चाहिए दरबार के खास करके, हाँ बाहर आ तुम जिदा ताकि मौज है तुम करो, पर दरबार के घट्टो घट जो फकर रखते हैं वो जरूर करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, रोकन कहते रुक जाना चाहिए, करन कहते कर देना चाहिए जो उन्हों की मौज आ, बाकी जिदा
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੱਜ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੁਛ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲ ਜੀਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਬਾ ਅਮਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਬਲੀ ਜੀ, ਜੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਯੋਗੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ।